अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आलू गोश्त शोरबे वाला बनाने लगी हूँ और उसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक किलो गोश्त, 3 बड़े प्याज, 1 पोथी लहसुन की, 4 हरी मिर्चें, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 टमाटर, आधी प्याली घी की, और ये मसाले हैं। इसमें 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया का पाउडर, 1 चम्मच सूख मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। सबसे पहले मैं कढ़ाई में गोश्त डालती हूँ। एक जग पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स डालती जाती हूँ। इसमें हम बहुत कम मसाले डालेंगे और इसको ज़्यादा तेज़ या स्पाइसी नहीं बनाएंगे। अब मैं इसको ढक्कन दे के 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख देती हूँ। पानी अब इसका खुश्क हो गया है। अब मैं इसके अंदर आलू डाल के और इसको भून लेती हूँ। ये 2 बड़े साइज के आलू मैंने लिए हैं, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और अब मैं इसको अच्छी तरह भून लेती हूँ। आलू गोश्त शोरबे वाले चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, नान के साथ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आज इनको चावलों के साथ सर्व करूंगी। गोश्त बहुत अच्छे से भून गया है और ऑयल ऊपर आ गया। अब मैं इसके अंदर पानी, 1 जग पानी डाल देती हूँ। हमने इसको शोरबे वाला बनाना है, इसलिए मैं पानी ज़्यादा डालूँगी और उसके अलावा आलू भी अभी गलने हैं। 15 से 20 मिनट इसको तेज़ आंच पे पकाऊँगी मैं। ये माफ कर देती हूँ और मैं इसको डिश आउट करती हूँ। थोड़ा चिपचा। अब मैंने इसके ऊपर धनिया डाल दिया। अब थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डाल दूँगी।